कमलेश्वर पटेल रीवा पहुंचे, जहां राजनिवास में समर्थकों ने स्वागत किया। इस दौरान कमलेश्वर पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार झूठ फरेब की सरकार है। जन आशीर्वाद यात्रा में जो हमला हुआ है वह उन किसानों का दर्द है जिनकी जमीन छीनी गई है। अभी तो पता नहीं कहां कहां जन आशीर्वाद यात्रा रुकेगी। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हमले में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से विरोध करती है। आइए आपको सुनाते हैं विधायक कमलेश्वर पटेल ने किस तरह से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ विकास और चुनाव लेकर निशाना साधा है। नहीं बुला लो, दूसरा वाला जो नहीं, इन्होंने पूछा, इन्होंने पूछा, वो नहीं पूछे ना विंध्या वाले। एक मिनट पूछते हैं, देख जोड़ के अब आशीर्वाद कौन से मुंह से मांगने आए हैं, ये समझ से परे है। घोटाले पे घोटाला, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला। आज चार साल से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो रही है, एमपीपीएससी के चार साल से रिजल्ट घोषित नहीं हुए, होते हैं आधे अधूरे होते हैं, कोर्ट कचहरी में चला जाता है। आज कितने सारे घोटाले इस मध्य प्रदेश में हुए और इन घोटालों को लेके जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये लोग आवाज़ दबाने का काम करते हैं। तो कौन से मुंह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाले। आज किसान परेशान है, एक तो प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ सरकार की आपदा, बढ़े हुए बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं, मीटर है नहीं कहीं, किसान परेशान है, ना उनको समय पे बिजली मिल रही है, घोषित कटौती हो रही है, लोग पंखा भी चला के नहीं सो पा रहे हैं, पेयजल का संकट खड़ा हो रहा है। पानी अगर बिजली नहीं है तो आजकल सब टिल्लू पंप या बोर से पानी पीते हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से इवेंट करने में लगी है, हैंडपम्प सुधारने का काम नहीं हो रहा है, हैंडपम्प खनन करने का काम नहीं हो रहा, नल जल योजनाएं जितनी इन्होंने बनाई है हम समझते हैं कि 1-2% ही संचालित होंगी, बाकी सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो ये सरकारी धन का सिर्फ दुरुपयोग कर रहे, इवेंट कर रहे हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह से इस बार है और जनता में जन आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी भी 15 तारीख से जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकालने जा रही है। 7 जगह से यात्राएं शुरू होंगी और पूरे प्रदेश में हमारे अलग अलग जो नेता लोग हैं वो जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र बताने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि बताने इस समय बांटने का दौर चल रहा है। राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं, उनके त्याग और तपस्या की बधाई देते हैं कि जिस तरह से भारत देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत देश में जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से भारत देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंची, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षित युवा बेरोजगार भटक रहा है, किसान को जो राहत सरकार की तरफ से देनी चाहिए वो राहत नहीं दे पा रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए, शैक्षणिक संस्थान बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, 3,700 किलोमीटर चल के जो उन्होंने यात्रा की है भारत देश के लिए, भारत जोड़ो यात्रा की है, ये हम कह सकते हैं कि एक कांग्रेस पार्टी का ही नेता जिनका देश की आज़ादी में पूर्वजों का योगदान रहा हो, ऐसे ही परिवार का ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो देश के लिए चिंतित हैं कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। आज हम शैक्षणिक संस्थान बनाने की बजाय हम देवी देवताओं के नाम पे बड़े बड़े मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, जबकि पहले भी हमारे देश के नेताओं ने, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्होंने इस देश की बुनियाद रखी, उसके बाद भी जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब ने अविस्मरणीय काम किया है।